चल के तुझे मैं लेके चलूं एक ऐसे गगन के तले, जहां गम भी न हो आंसू भी न हो, बस प्यार ही प्यार पले। किशोर दा का ये खूबसूरत गाना सन 1964 की बनी एक मूवी का था। मूवी का नाम था दूर गगन की छांव। इस गाने में कमाल की शांति है। इस गाने को सुनकर लगता है कि जिंदगी में सब अच्छा होगा, आज जैसा भी है कल बढ़िया ही होगा। चलिए आई फ्लाई के साथ भी बदलते वक्त को समझते हैं पढ़ने के नए तरीकों को, वो तरीके जो हमारी जिंदगी में बदलाव लेके आ रहे हैं। आफ्टरऑल हम अपनी एमएससी के बाद में बहुत सारे एग्जाम्स की तैयारी करते हैं। हम जानते हैं इन एग्जाम की इंपॉर्टेंस। ऑल इन एग्जाम से हमें फेलोशिप मिलने वाली है, साथ में मिलने वाला है हमें टिकट एक नेक्स्ट बड़े इंस्टीट्यूट में जाने का। एग्जाम CSIR नेट का हो या गेट का, ICMR, ARS या सेलेक्ट का। यहाँ तक कि जो बच्चे BSc कर रहे होते हैं वो भी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के लिए MSc एंट्रेंस की तैयारी कर रहे होते हैं। किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई करने के लिए हमारे पास नॉलेज होनी चाहिए और हमें यह भी पता होना चाहिए कि उस नॉलेज को यूज कैसे करना है ताकि अपनी जंग हम जीत सकें। नॉलेज और तरीके जानने के लिए कई बार हमें लंबी यात्राएं करनी पड़ती हैं, हमें कई पत्थर टटोलने पड़ते हैं, कई बातों को हमें ढूंढ के निकालना पड़ता है। बहुत मेहनत करने पर हम ज्ञान इकट्ठा करते हैं और वो ज्ञान जो हमें एग्जाम में कामयाब बनाता है। ज्ञान तो हम बहुत पहले से इकट्ठा करते हैं, गुरुकुल्स। गुरुकुल हमारी संस्कृति का अभिन्न भाग था और हम अपनी संस्कृति पर प्राउड भी करते हैं। बट वक्त बदल रहा है और वक्त के साथ पढ़ने के तरीके बदल रहे हैं। आज हम क्लासरूम्स में जाके पढ़ते हैं। चलो एक सीन अज्यूम करते हैं। मान लो कि आई फ्लाई एक क्लासरूम क्रिएट करता है किसी एक शहर में। जानते हो वहां क्या दिक्कतें आएंगी? जैसे क्लासरूम के टाइमिंग अगर 9 से 12 के हैं तो इस 9 से 12 में हम क्लासरूम करें या अपनी डिग्री क्लासेस करें। इसलिए जनरली हम लोग अपने एग्जाम की तैयारी तभी कर पाते हैं जब अपनी डिग्री खत्म कर चुके हों, जैसे कि MSc खत्म करने के बाद। अच्छे क्लासरूम अच्छे टीचर मेरे शहर में मिल जाएं यह बड़ा मुश्किल होता है। कई बार इन क्लासरूम को जाने के लिए हमें दूसरे शहर जाना पड़ता है और तब हमें अपनी फैमिली से दूर रहना होता है। फैमिली से दूर होने का ख्याल ही कई बार परेशान कर डालता है। एक तरह का इमोशनल अत्याचार बिल्डअप होना शुरू होता है। फिर पता नहीं फैमिली हमें परमिशन देगी भी या नहीं देगी। आफ्टरऑल यार जमाना बड़ा खराब है। पता नहीं दूसरे शहर में जहां अपना कोई नहीं है वहां हम कैसे जी पाएंगे। घर वालों को कई तरह के डर भी सताते हैं। डिस्टेंस भी बड़ा मैटर करता है। कई बार तो ये शहर कई सौ किलोमीटर दूर होते हैं। तो जिन शहरों में अच्छी क्लासेस अवेलेबल होती हैं वहां भी क्लासेस हमारे घर के पास में नहीं होती। क्लासरूम तक आने और जाने में कई बार हमें दिन में 2 से 3 घंटे तक खराब करने पड़ते हैं। एक तो हमारी लाइफ वैसे ही बहुत बिजी होती है और उसमें से बहुत सारा टाइम ट्रैवल में चला जाता है। तैयारियां खर्चीली भी बहुत होती हैं, जहां हमें फीस देनी होती है। तो उसके अलावा अगर हम किसी दूसरे शहर में जाके रहते हैं तो वहां की लिविंग कॉस्ट अपने आप में खर्चा बढ़ाती है। नई जगह रहने पर कई बार हमारे नए शौक भी पैदा होते हैं, कुछ अट्रैक्शन और कुछ डिस्ट्रैक्शन। हमें अपने रास्ते से भटकाने के लिए हमेशा लगे रहते हैं, हमारे खर्चे बढ़ाते हैं। घर से बाहर रहने पर जहां हमारे खर्चे बढ़ते जाते हैं तो वहां कुछ और दिक्कतों का भी सामना करते हैं। जहां हम अपने घर में राजा बाबू थे तो आज हम किसी और के साथ रूम शेयर करके रहते हैं। वो कब सोएगा, कब वो चुप होएगा, हमारी तैयारी इन्हीं बातों का मोहताज हो जाती है। कई बार तो हम इसी टेंशन में रहते हैं कि कब वो हमें डिस्टर्ब करेगा। कंसंट्रेशन की वाट लग जाती है। अक्सर सिर्फ सराउंडिंग एनवायरनमेंट पर ध्यान रहता है। जहां हम माँ के हाथ के लजीज खाने के आदि थे आज मन मार के टिफिन का खाना खाना पड़ता है, चाहे वो पसंद आए या ना आए। ये सारी बातें मिला करके हमें डिस्कम्फर्ट में ला देती हैं, इरिटेट कर देती हैं। धीरे धीरे हमें टेंशन में शुरू आती है। ये स्ट्रेस या एनवायरनमेंट कई बार हमें बीमार भी कर देता है। और एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइम जो हम अपने एग्जाम की तैयारी में देना था, अपनी सेहत के हाथों हम गवा बैठते हैं। क्लासरूम की पढ़ाई में कुछ और इश्यूज भी आते हैं, जैसे कि पहला इशू है टाइम को लेकर के। अगर क्लासरूम का टाइम है 9 से 12 का तो हमें 9 से 12 ही क्लास करनी पड़ेगी। अगर हमने टाइम मिस कर दिया तो हमारी क्लास मिस हो गई। हमेशा एक स्ट्रेस बना रहता है उस टाइम को पकड़ने का। अब क्योंकि क्लासेस दिन में ही होती हैं तो इस दिन के टाइम को हम कहीं और यूटिलाइज नहीं कर सकते, इसलिए 100% टाइम हमारा क्लासरूम के लिए ही बंद कर जाता है। कुछ और काम करने के लिए हम बसते नहीं है। नो डाउट एग्जाम की प्रिपरेशन में 100% डेडिकेशन जरूरी है, लेकिन बंधा हुआ दिमाग अच्छा काम नहीं कर पाता। अगर मेरी पूरी भरी क्लास में कोई लेक्चर चल रहा है और मुझे कुछ बात समझ में नहीं आई तो भाई पूछते हुए भी जोर पड़ता है
और अगर किसी ने हाँ कर दिया, यस सर, समझ में आ गया, तो बात आगे बढ़ जाती है, चाहे मुझे समझ में आए या ना आए, वो वन टू वन की फील नहीं रह पाती। अक्सर हमारी परफॉर्मेंस हमारे आसपास वालों पर डिपेंड करती है। जब टीचर किसी बात को समझा रहा होता है और उसी टाइम मेरे पड़ोस वाले ने कुछ हरकत कर दी, तो मेरा कंसंट्रेशन वहां बढ़ जाता है। कई बार तो टीचर्स के मुंह से निकली हुई आवाजें मेरे कान तक भी ठीक से पढ़ नहीं पाती, क्योंकि क्लासरूम में कहीं ना कहीं से कोई ना कोई छोटी आवाज उस इन्फॉर्मेशन को भी पॉल्यूट कर देती है। अगर मेरे मन में कोई डाउट है जो मैं अपने टीचर से पूछना चाहता हूं, तो मुझे वेट करना होता है अगले दिन तक उसकी अवेलेबिलिटी का। और कई बार तो इस वेट के चक्कर में हम अगेन हेजिटेट होकर के अपनी क्वेरी को ड्रॉप भी कर देते हैं। जब कभी घर वालों का फोन आता है कि बेटा तैयारी कैसे चल रही है, तुम ठीक तो हो ना, हम आंखें चुरा करके उन्हें जवाब तो देते हैं, हाँ जी हम ठीक हैं, सब बढ़िया चल रहा है, चाहे फिर रियलिटी कुछ भी हो। उन्होंने बहुत पैसे खर्च किए हैं, उन्होंने बहुत हिम्मत दिखाई है हमें इस एग्जाम की तैयारी के लिए यहाँ भेजने में। हम कैसे बता दें कि हम परेशान हैं, कि उन्होंने जो पैसे खर्च किए थे हम उसको पूरा यूटिलाइज नहीं कर पा रहे, हम अपनी पूरी एफिशिएंसी को एग्जाम की तैयारी में लगा नहीं पा रहे, क्या क्या प्रॉब्लम हम डिस्कस करें। और इसीलिए हम आई एम ओके बोल करके बात छुपा लेते हैं। बट एग्जाम की तैयारी के लिए तो हमें फ्री माइंड चाहिए ना, एक हंसी खुशी वाला एनवायरनमेंट जहां हम खुश होकर के काम कर सकें, जहां कम से कम हमें यह ना सोचना हो कि हमारे साथ में कौन लोग हैं जो हमें इरिटेट करेंगे, कहीं हम टाइम तो मिस ना कर जाएं, पता नहीं खाना ठीक से मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं रात ठीक से सो भी पाएंगे नहीं सो पाएंगे। एग्जाम की तैयारी के लिए माइंड का खुश होना बहुत जरूरी है। जब मन खुश होता है तो उम्मीदें जगती हैं और अंदर से और काम करने का उत्साह जागता है। आई फ्लाई कोशिश करता है इसी एनवायरमेंट को प्रोवाइड कराने की अपनी ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा। ये क्लासेस आप अपनी एमएससी में भी कर सकते हो और एमएससी कंप्लीट करने के बाद भी, अगर आप नौकरी कर रहे हो तब भी कर सकते हो, अगर आप गृहिणी हो और घर को संभालते हो तब भी कर सकते हो, क्योंकि इन क्लासेस को करने के लिए कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। इन क्लासेस को करने के लिए आपको किसी शहर नहीं जाना होता, आप अपने घर में बैठे क्लास करते हो। ये क्लासेस आप चाहो तो अपनी छत से कर सकते हो, अपने कमरे से, और अगर वहां भी मजा ना आए तो गार्डन में बैठ के पढ़ लो। कहीं जा रहे हो या आ रहे हो, कहीं खड़े हो, आप हर टाइम को क्लास में यूटिलाइज कर सकते हो। आपको 3 घंटे लगातार देने की आवश्यकता नहीं है, अगर आप 15-15 मिनट के टुकड़े भी निकालना चाहते हो तो आप उन टुकड़ों में ही पढ़ सकते हो, मतलब जहां तुम चाहो जैसे तुम चाहो वैसा पढ़ सकते हो। कोई लंबी यात्राएं नहीं करनी, बस मन में इच्छा जगानी है। वक्त तुम्हारा, जगह तुम्हारी, आफ्टर ऑल ये क्लास भी तो तुम्हारी है, खर्चे तो यहां भी आते हैं, बट यहां खर्चे के नाम पर जहां तुम्हें कोर्स की फीस देनी होती है और एक अच्छे इंटरनेट कनेक्शन की, तो इसके अलावा अगर तुम स्नैक्स खाना चाहते हो अपने क्लास करते हुए तो वो तुम्हारा खर्चा है। बोनस ये है क्योंकि स्पेस तुम्हारी, घर तुम्हारा, फैमिली तुम्हारा, रूम तुम्हारा, बेड भी तुम्हारा, ना सोने की दिक्कत, ना उठने की, ना किसी और के साथ स्पेस शेयर करने की, मतलब आजादी ही आजादी। और जब मन में आजादी होती है तो मन खुल के काम करता है, मन में उम्मीदें जगती हैं, मन में ऐसे ऐसे विचार आते हैं जो कभी कभी तो हमें ही चमत्कृत कर देते हैं कि ये हम ही थे, हम में ये कैपेसिटी थी। इसके अलावा आई फ्लाई के और फायदे, जैसे कि ये लेक्चर्स, ये क्लास आपके पास अवेलेबल हैं 24/7, मतलब 24 घंटे में से जिस भी टाइम आप लेक्चर करना चाहो आप कर सकते हो, आपको किसी टाइम को रोकने की जरूरत नहीं है। आप दिन की रोशनी में कुछ और करना चाहते हो तो आप वो कर लो, आपको जब भी पढ़ने का टाइम मिले आप उस टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो, आप किसी चीज को सैक्रिफाइस करने की जरूरत नहीं है, बस अपने टाइम को मैनेज करना होता है, अपनी इच्छा जगानी होती है। अगर टीचर की बताई हुई बात समझ में नहीं आई तो भाई टीचर को रोक लो, रिवाइंड कर लो और दोबारा सुन लो, आप जितनी बार चाहो उतनी बार बात को रिपीट कर सकते हो, इंडीड जब तक तुम्हारा टॉपिक क्लियर ना हो जाए बार बार रिपीट कर सकते हो। फिर भी अगर दिक्कत आए तो तुम मैसेज ड्रॉप कर सकते हो आई फ्लाई की टीम को, ये टीम जो हमेशा आपकी हेल्प के लिए तैयार रहती है। और अगर कहीं तुम ढीले पड़े, कहीं तुम उदास हुए, तो फिर आई फ्लाई की टीम तुम्हें मोटिवेट भी करती है, तुम्हें सोने नहीं देती, तुम्हें डांटने नहीं देती, तुम्हें घबराने नहीं देती। एक कदम तुम बढ़ाओगे और बाकी तुम्हें हम दौड़ा देंगे, एग्जाम का रिजल्ट तुम्हारा बना देंगे। पता है जब एक टीम साथ में हो, एक ऐसी टीम जो तुम्हारे लिए हमेशा काम करती है,
जब पढ़ने के तरीके ऐसे हो जो तुम्हारे लिए आज़ादी लेके आते हो, तुम्हें नॉलेज के अलग एस्पेक्ट दिखाते हैं, जब पढ़ाई मुश्किल ना होती हो, जब पढ़ाई तुम्हारी डेली लाइफ से बंध जाए, उसके साथ कोलेट हो जाए, तो फिर जिंदगी मुश्किल नहीं होती। फिर चाहे रात हो या दिन, हमेशा ज्ञान की दुनिया में रोशनी छाई रहती है। आई फ्लाई क्लासेस की कुछ और एडवांटेज भी हैं। जब तुम अपनी स्क्रीन पर लेक्चर सुन रहे होते हो हेडफोन लगा करके, तो तुम फील करते हो ये 1-to-1 रिलेशन को, तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम टीचर के साथ अकेले बैठे हो और तुम वहां पढ़ाई कर रहे हो। अब इस टाइम ये सोच के देखो, क्या इस टाइम तुम इस 1-to-1 को फील कर पा रहे हो? क्या तुम फील कर पा रहे हो कि यहां केवल तुम हो और मैं हूं और हम ही दो लोग हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं? क्या मेरी बातें तुम्हें क्लियर हैं? बिल्कुल। अब जब ऐसे ही लेक्चर होंगे तो फिर वहां क्या डाउट रह जाएगा, वहां क्या बातें हैं जो छुप जाएंगी? ये जो 1-to-1 की फील है ना, यही है जो असली काम कराएगी। तुम्हारे मन में किसी तरह की झिझक नहीं होती, किसी तरह का डर नहीं होता। हर रोज जिस टाइम तुम चाहो तुम क्लास कर सकते हो। कहीं तुम पीछे छूट ना जाओ, कहीं तुम्हारा आलसी मन तुम्हें काम करने से रोक ना दे, तो लगातार टेस्ट ऑर्गेनाइज होते हैं। वो टेस्ट जो तुम्हें उत्साहित भी रखते हैं तो तुम्हें दौड़ाई भी रखते हैं। तुम्हारी परफॉर्मेंस हेल्प करती है तुम्हें इंप्रूव करने में, और इसके अलावा रिविजन सेशन तुम्हें कुछ बोलने नहीं देते। हर लेक्चरों को कुछ दिनों बाद वापस लाना, रिवाइज करना, तुम्हारे लिए शेड्यूल तैयार करना, तुम्हारे लिए टाइम टेबल क्रिएट करना, आई फ्लाई तुम्हारी लाइफ में हर कदम पर तुम्हारा साथ निभाता है, तुम्हारे एग्जाम की तैयारी को एक वेल ऑर्गेनाइज फैशन में बढ़िया कराता है। बीच बीच में प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन भी होते हैं, जहां तुम आकर के अपने मन की बात बोल सकते हो, तुम अपनी समस्याओं के सॉल्यूशन खोज सकते हो। सारी तैयारी के बाद जंग से पहले जंग की तैयारी होती है। मॉक एग्जाम में क्वेश्चन से कैसे भिड़ना है, पेपर को कैसे समझना है, कैसे अपना रिजल्ट बनाना है। जिस दिन तुम ज्वाइन करते हो उस दिन से 24/7 फ्लेक्सिबल एनवायरमेंट में तुम्हारे एग्जाम की तैयारी चलती रहती है। जहां तुम ढीले पड़ते हो वहां आई फ्लाइट में कस देती है, तुम्हें यह फील कराती है कि 2400 घंटे पढ़ाई कैसे होती है। पढ़ाई हमेशा स्क्रीन पर बैठ के नहीं होती। जब आप कुछ और काम कर रहे हो तब भी आपके मन में जो विचार चलता है उस एग्जाम की तैयारी को लेकर के, वो टॉपिक जो आप अभी करके आए हो, वो टॉपिक जो आप करोगे, ये भी सब तैयारी का पार्ट है। 2400 घंटे अपने घर के एनवायरमेंट में तुम ऑक्यूपाइड रहते हो, कोई भी टाइम तुम इधर उधर वेस्ट नहीं करते। ना तुम्हें कहीं कोई ट्रैवल कॉस्ट है, ना कहीं तुम्हें किसी तरह के हेजिटेशंस हैं, ना तुम्हें इरिटेशंस हैं। अपने घर के एनवायरमेंट में अपनी बेस्ट कंडीशन में तुम अपने एग्जाम की तैयारी करते हो। जब तुम अपने बिस्तर पर सोते हो तो रात को नींद भी अच्छी आती है। सारी एनर्जी, सारा फोकस सिर्फ एग्जाम के लिए लगाते हो। एक बार जब तैयारी अच्छी हो जाए तो फिर दुनिया को देखने के नजरिए भी बदल जाते हैं, और नो डाउट फिर हमारे एग्जाम क्लियर हो जाते हैं। आई फ्लाई की क्लासेस को ज्वाइन करने के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9013902981। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो शेयर कीजिएगा। अगर ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लो बड़ी सी घंटी के साथ। चलो फिर अभी तो मजे करो। बाय बाय।